हाय हेलो गाइस, मेरा नाम है एम के गौतम। और आज मैं आप लोगों को जनरल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके नाम क्या क्या है और जनरल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है वो उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ताकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, और उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो होगा ये। जैसा कि हम स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी सर्जरी का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, हम सबसे पहले पेशेंट टेबल पे हो गया। टेबल के बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया लग गया। एनेस्थीसिया के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो भी सर्जिकल पार्ट होता है उसको हम पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पंज होल्डर लेते हैं। स्पंज होल्डर ले लिया, स्पंज होल्डर के साथ में या तो बावल, बहुत से लोग बावल लेते हैं, बहुत से लोग किडनी ट्रे ले लेते हैं। इसमें आपने बीटाडीन डलवा लिया और गॉस पिस ले लिया, और क्या किया, उस एरिया को पेंट कर दिया। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डर, ये काम में आएगा आपका। सेकेंड टाइम में आपने पेशेंट के ऊपर टॉवल दे दिया, जो स्ट्राइल शीट होता है, स्ट्राइल शीट से आपने पेशेंट को कवर कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि कुछ कॉटरी पेंसिल लगता है, सक्शन ट्यूब लगता है, बाइपोलर का जो केबल होता है, वायर होता है, वो लगता है। ये सब चीज़ें जो होता है, और भी चीज़ें जो लेप्रोस्कोप के लिए लगना होला होता है, लेप्रोस्कोप के लगाते हैं, जनरल होता है, जनरल के लिए लगाते हैं। तो फिर उन सारे को हम होल्ड करने के लिए हम सेकेंडरी में लेते हैं टावल क्लिप। टावल क्लिप से के सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी वायर हमारा है, सक्शन है, चाहे क्या नाम है, कॉटरी पेंसिल का वायर हो गया, बाइपोलर का वायर हो गया, ये सब क्या करते हैं, टावल क्लिप के माध्यम से क्या करते हैं, हम उनको होल्ड करते हैं, जो सीट होती है पेशेंट के, उसके बाद टावल क्लिप से होल्ड कर देते हैं। आया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे पेशेंट का एरिया जो होता है वहाँ पे कट सीट होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाइफ़ हैंडल यूज करते हैं। नाइफ़ हैंडल में जो भी नाइफ़ हैंडल, दो प्रकार का होता है, एक 3 नंबर होता है, एक 4 नंबर होता है, और एक 7 नंबर का भी आता है। जो 3 नंबर वाला होता है उसमें क्या होता है कि 15 नंबर का ब्लेड लगता है, 15 नंबर, 11 नंबर, इस तरीके का ब्लेड लगता है। और जो 4 नंबर का, ये बीपी हैंडल बोलते हैं, ब्लेड पार्कर हैंडल बोलते हैं इसको, इसमें 4 नंबर का होगा तो 23 नंबर लगेगा, 24 नंबर लगेगा, ये सब इसमें नाइफ लगेगा। नाइफ ले लिया, इसके बाद क्या करते हैं, चीरा लग गया इससे। इसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आर्टरी की। आर्टरी, ये आपकी आर्टरी है। आर्टरी को पहचानेंगे कैसे, आर्टरी के अंदर में जो क्या होता है, ये लाइनिंग होती है, जो आर्टरी, कोई भी आर्टरी या वेन कटती है तो इसको हम होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, इसका नाम है आर्टरी। ये हो गया। इसके बाद यूज होता है एलिस, भी यूज होता है उस सर्जरी में। एलिस इस तरीके की एलिस होती है, इसको बोलते हैं हम एलिस, ठीक है। ये खोल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है एलिस। इसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये आर्टरी के तरीके से ही होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉकर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये चोंच लगा होता है, इससे हम पहचानते हैं कि हमारा क्या है। कॉकर्स कर्व भी आता है और स्ट्रेट भी आता है, ठीक है। ये सब जनरल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इसके बाद ये भी जनरल इंस्ट्रूमेंट में आता है, कोई बावल की सर्जरी होगी, जैसे क्या नाम है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो गई, इंटेस्टाइन को हम जब एनास्टमोस करते हैं तो हमारा एक काम में आता है, इसको बोलते हैं बावल, ठीक है, बावल क्लैम्प बोलते हैं इसको। इसके बाद ये आ गया इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होगा बैकॉक। बैकॉक किस सर्जरी में, कोई भी टिश्यू, जैसे सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना है इसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं, या अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूज में जब सर्जरी जो, इसके बाद में सर्जरी का जो आएगा आपको, आप लोगों को एक एक सर्जरी का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, सारे
के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं केवल आप इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। इसके बाद आ गया आपका नीडल होल्डर। नीडल होल्डर ये, इसको नीडल होल्डर बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं, जो सिलाई होती है अंदर बाहर जो भी सिलाई करते हैं इस नीडल होल्डर के माध्यम से होता है, इसको बोलते हैं हम नीडल होल्डर। ये हो गया सीजर। सीजर भी दो टाइप का होता है। ये हो गया आपका फाइन सीजर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टिश्यू कटिंग बोलते हैं। पतला हो गया ये, बिल्कुल पतला है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कटिंग, ठीक है। इसके बाद इससे मोटा जो हो गया ये स्ट्रेट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सूचर कटिंग बोलेंगे, ठीक है। दो तरीके का आपका सीजर हो गया, एक टिश्यू कटिंग, एक सूचर कटिंग, और एक आता है क्या नाम है, स्टिच कटिंग भी आता है, ठीक है, उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इतना हो गया। इसके बाद आपका आ गया ये, इसको बोलते हैं थंब फोरसेप्स। थंब फोरसेप्स दो टाइप का होता है, एक प्लेन होता है, एक टूथ होता है। एक नॉन टूथ हो गया, एक क्या हो गया, टूथ हो गया, ठीक है। दो तरीके से आपका ये फोरसेप्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है राइट एंगल। बहुत से स्टूडेंट इसको देखते तो जरूर है लेकिन इसका नाम नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्यों इसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा जो एंगल इसका बनता है ये राइट में ही बनता है, लेफ्ट में ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। राइट हैंड से पकड़ेंगे और राइट में ही इसका एंगल बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। और इसका वर्क क्या क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ये हो गया सक्शन टिप, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्शन टिप। ये हो गया रिटेक्टर, इसको बोलते हैं येल रिटेक्टर के नाम से बोला जाता है। लिंगन बैग रिटेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, लिंगन बैग रिटेक्टर बोलते हैं इसको। ये हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं डीवर्स। डीवर्स बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये डी टाइप का मूड़ा होता है, इसलिए डीवर्स बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ज़्यादातर हम इसको सिजेरियन उजेरियन होता है, एलएससीएस होता है, ये सब में यूज करते हैं, ठीक है। ये गाइस जनरल इंस्ट्रूमेंट रहा, आप लोगों को पसंद आया होगा। जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से जान गए होंगे सारे नाम के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को सर्जरी के बारे में, कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से सर्जरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।